हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। एमटीएस जनरल, एमटीएस स्पेशलाइज पोस्ट, आप सभी के कुछ सिमिलर ही सब्जेक्ट दिए गए हैं। केवल एक ही अंतर है, वो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन केवल एमटीएस जनरल में पूछा जाएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट आपके सिमिलर हैं। प्रीवियस जितनी भी वीडियो आपको दी गई थी, मतलब अभी आप तो परीक्षा पहली बार देने जा रहे हैं एमटीएस स्पेशल पोस्ट के अभ्यर्थी, लेकिन जो सिलेबस पढ़ाया गया था एमटीएस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को पहले के, वो सभी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, यदि आप चाहें तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि मुझे एक कंपाइलेशन वाली वीडियो चाहिए या जैसे भी, आपको वहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है, मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर किया था। आज जनरल अवेयरनेस की ये नेक्स्ट वीडियो है और ये रिवीजन पर्पस से केवल बनाई जा रही है, ताकि आप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है अपने प्रैक्टिस कर पाएँ। आज की जो वीडियो है वो है आपकी साइंस की। साइंस में भी आपके तीन हो रहे हैं, कौन कौन से होते हैं, फिजिक्स क्या होता है मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो फिजिक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उसको देने की आज अभी कोशिश करूँगी कि आपको लगभग कुछ क्वेश्चन मिल जाए जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरीके से आपको बायो के, केमिस्ट्री के मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दूँगी, ठीक है। तो मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑलरेडी अभी रिसेंट में दिया है, कुछ दिनों पहले वीडियो। बाकी चीज़ों पर ऑलरेडी एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस और वन लाइनर फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबकी वीडियो दे दी गई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। और मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आपके पास खुद के नोट्स हों, आप कहीं पर भी इस टॉपिक की पढ़ाई किए हों, तो उसी को रिवीजन करिए, नई चीज़ें मत पढ़िए। और मैं भी जो आपको पढ़ा रही हूँ केवल वही है जो पहले से पढ़े होंगे, उन्हीं को ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि उनका रिवीजन होगा एक पर्टिकुलर, एक ही जगह में अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन, ना कि प्रीवियर ईयर के PYQ जो आपको आते हैं वो मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है OMR पे जब एग्ज़ाम हुआ था बुकलेट आपको दी नहीं गई थी, इस बार क्या होगा अभी कुछ कहना मुश्किल है। आइए हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जल्दी से करते चलते हैं, और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखते चलिएगा। देखेंगे डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता जो है निम्नलिखित में से मापने की इकाई क्या है, तो याद रखिएगा डेसिबल। डेसिबल का संबंध किससे है, ध्वनि की तीव्रता से, ऐसे याद करना है। आगे देखेंगे एम्पियर क्या नापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो विद्युत धारा। विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर है। जैसे अभी ध्वनि तीव्रता को नापने के लिए या उसकी इकाई क्या थी डेसिबल, उसी तरीके से विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर होगा। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जितने मैं आपको करा रही हूँ। आगे देखेंगे ध्यान हमेशा दीजिए 10th स्टैंडर्ड का, यानी 10th क्लास तक के स्टूडेंट को जो नॉलेज होनी चाहिए वो आपको होनी चाहिए। और 10th भी अपने आप में बहुत ही बड़ा है, क्योंकि वो इतना छोटा उसका सिलेबस नहीं होता कि सब कवर किया जा सके। देखेंगे एम्पियर, आगे देखेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक क्या होता है। एक CGS पद्धति में मात्रक होता है आपका, CGS पद्धति में, लेकिन SI मात्रक ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, SI पद्धति जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई थी, तो 1971 ईस्वी से इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो खाद्य ऊर्जा को जो है कैलोरी में मापते हैं। आगे देखेंगे विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर होती है। SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होती है, डायोप्टर। आपने अगर लेंस का चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, प्रकाश जिसे कहेंगे, प्रकाश में, तो उसमें जो लेंस का प्रयोग करते हैं, चश्मों में लगा होता है लेंस सब कुछ, तो उसकी जो इकाई मापते हैं उसको डायोप्टर में मापा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे कैंडेला मात्रक है, जो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। ऊर्जा की मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊर्जा का, याद रखिएगा। आगे देखेंगे ल्यूमेन किसके यहाँ मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, ल्यूमेन। नेक्स्ट देखेंगे क्यूरी किसकी इकाई है, तो रेडियो धर्मिता की इकाई है। और पास्कल जो है किसका मात्रक है, तो दाब का। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी। दूरी को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं, तो प्रकाश वर्ष का करते हैं। और जड़त्व का माप क्या है, तो जड़त्व का माप है द्रव्यमान। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्ध्य मापता है। एंगस्ट्रॉम को जो आप अक्सर इस तरीके से भी डिनोट करते हैं लिखा होता है, ठीक है। आगे देखेंगे
किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो जो है ब्रह्मगुप्त ने ये पहले ही बता दिया था। आगे देखेंगे, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी, मतलब तो घड़ी में क्या प्रभाव होगा? तो घड़ी जो है सुस्त हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट, कथन कारण वाले प्रश्न भी इस तरीके से पूछे जाते हैं फिजिक्स में अक्सर। आगे देखेंगे, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन होगा। नेक्स्ट, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा के कारण। कुल मिला के पूछा ये जा रहा है कि कोई कोई ऐसी चीज़ या ऐसा मेटल, या मेटल नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ कोई भी मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, तो जो परिवर्तन होता है उसके आकार में किस कारण से होता है? जैसे स्पंज है मान लीजिए कोई, जब स्पंजी चीज़ होती है जब उसको प्रेशर करते हैं, दबाव डालते हैं, तो उसके आकार में परिवर्तन होता है ना, तो किस कारण होता है, कौन सी ऊर्जा उसमें उस समय होगी? तो स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताइए। उत्प्लावन से संबंधित कौन है? आर्कमिडीज का सिद्धांत, आपने खूब पढ़ा होगा इसे हाई स्कूल में। देखिएगा, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा में। तो ये जो नियम है कि ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा में, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, आपने इसमें कोई चीज़ डाली, वजन चीज़ ऐसी डाली, जैसे ही इसमें आप डालेंगे तो पानी का उछाल होगा और ये पानी बाहर की तरफ जाएगा, तो जो पानी उछला कितना, जितना इसका वेट होगा, मतलब जितना ये पदार्थ आपने डाला उसी के हिसाब से, तो इसी को हम आर्कमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब। आगे देखेंगे, बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस जो है परिघटना का क्या कारण है? तो यह है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, प्लाटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो केशिकी अभिक्रिया परिघटना। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, अब तो नहीं लेकिन पहले जब बहुत लाइट कटा करते थे, जब बचपन में हम लोग छोटे रहे होंगे, तो क्या होता था कि लैंप के साथ साथ लैंप का प्रयोग करते थे, लालटेन का यूज़ करते थे, दिया का प्रयोग करते थे ना, तो दिया इस तरीके से होता था, और आप इस तरीके से इसमें क्या होते थे, कपड़े का या जो होती है सूत टाइप की चीज़ें डाल के इसमें मिट्टी का तेल होता था, तो केशिकत्व की कारण ही तो तेल धीरे धीरे ऊपर जाता था, तभी तो दीपक जलता था। इसका उदाहरण अभी भी आप ले सकते हैं, जैसे ये दिया है, दिया में आप रुई से कोई बत्ती जलाते हैं तो ये सोखता है जो तेल, ये जो सिरे से वापस ऊपर जा रहा है उसी को हम केशिकीय अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान जो है बढ़ता है। नेक्स्ट है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होगा, अगर आप ध्रुव पर जाएंगे तो आपके जब शरीर का वेट होगा वो अधिकतम होगा। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में जो है अत्यल्प है, मतलब वहां पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल की कमी होती है चंद्रमा के तल पर, इसीलिए आप जैसे यहाँ पर अभी जंप करेंगे तो जितना जंप करेंगे थोड़ा सा ही उछाल मारेंगे, लेकिन अगर चंद्रमा के तल पर ऐसा करेंगे तो काफी उछाल ऊपर की ओर होगा, तभी तो चंद्रमा पे जो है रहना मुश्किल है, मतलब वहां पे ऐसा कुछ खोज नहीं हुआ है कि वहां रह सकते हैं। आगे देखेंगे, जब एक पत्थर को चांद की तरह सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदल, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब ऊपर जाएगी तो आपको अपना भार अधिक समझ में आएगा। देखिए, अगर आप लिफ्ट में, अगर अब तो लिफ्ट बहुत आसान चीज़ हो गई है, मॉल में आपको मिल जाती है, आप जाइए वहाँ पर घूमने ही चले जाइए, कभी लिफ्ट में जाइए, जब ऊपर जाएंगे तो आपको भार जो है अपना वजन समझ में आएगा ज़्यादा, लेकिन जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो हल्का समझ में आएगा। ठीक, आगे देखते हैं, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसे हम कहेंगे जड़त्व, इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। दिया है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को, मतलब तो उस क्वालिटी को क्या कहेंगे जिससे कि वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। नेक्स्ट,
न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के जो पहला नियम था उसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है पारसेक, किसकी इकाई है? तो दूरी की। अभी आपने दूरी का एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी शुरू मैंने बताया था आपको, पढ़ा था आपने प्रकाश वर्ष, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, याद रख लीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है। पारसेक भी है, एक ही मतलब एक से ज़्यादा मात्रा खो सकते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वो घनत्व के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, ये आपने देखा भी होगा। अगर आपने कभी नाव में बैठ के, समुद्र में तो नहीं गए होंगे लेकिन नदी में या कहीं गए होंगे तो देखा होगा। समुद्र में भी जाना बड़ी बात नहीं है, गए भी होंगे कुछ लोग, आगे देखेंगे। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कि जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा? जो नहीं बदलेगा घनत्व, मतलब वस्तु की अगर आप मात्रा को बदल देंगे तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगर जहाँ का घनत्व ज़्यादा होगा जिस पानी का, उसमें तैरना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, आपने ये सुना भी होगा कि समुद्र का एक ऐसा सरफेस है, अगर आप कोई व्यक्ति उसमें चला जाए तो वो डूबेगा नहीं, ऊपर खुद ही वो तैरेगा, घनत्व के कारण ये सारे काम हो रहे हैं, आगे देखेंगे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, जो ऑटोमेटिक घड़ी होती वॉच जो आप लोग लगाते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा, उसको ऊर्जा कैसे मिलती? तो बैटरी से। नेक्स्ट, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगर ये सब चीज़ें देखिए जो फिजिक्स की होती है, मेरा अपना अनुमान है कि जब हम कोई चीज़ खुद प्रैक्टिकल किए होते हैं अपनी निजी लाइफ में या कभी करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। आपके पास कुआं तो अब आपको नहीं मिल सकता लेकिन आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई बर्तन लीजिए पानी कोई बकेट में या कहीं भी भरिए, उसको जब तक वो नीचे रहेगी डोरी से ही बांधिएगा तो आप देखेंगे जब वो अंदर रहेगी ना तो आपको जो बहुत हल्की समझ में आएगी, जैसे ही पानी के ऊपर आएगा तब उसका भार समझ में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, अभी हमने इस चीज़ को पढ़ा भी। लोहे की किल पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का जो घनत्व तो पानी से अधिक है जबकि पारे से कम है। मैंने कहा ना ये सब डूबने, जो तैरना आसान होता है या कोई चीज़ डूब जाती है, ये सब घनत्व के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास किसका कितना विस्थापित होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है, ह्रास मतलब होता है कमी। नेक्स्ट, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों ऐसा होता है? बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, मतलब जो बर्फ है वो पानी से तो हल्का है लेकिन अल्कोहल से भारी है। अगर हम पानी और अल्कोहल की तुलना करें तो समझ लीजिएगा अल्कोहल जो है पानी से क्या होता है, पानी से ज़्यादा जो है वो वजन होगा, तभी तो उसमें जब हम बर्फ डालते हैं तो वो डूब जाती है, लेकिन बर्फ जो है पानी से हल्का होता है। जिनको अल्कोहल ना समझ में आ रहा हो, ड्रिंक की बात हो रही है यहाँ पे, अल्कोहलिक जो सेवन करते हैं लोग, ड्रिंक्स करते हैं उसकी बात हो रही है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम, ठीक है, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा इसको बताया जा सकता है। तो देखिए जब इसको तो आप लोगों ने महसूस ज़रूर किया होगा, जब कोई बस चलती रहे और अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें अगर आप बैठे हुए हैं तो आप आगे की ओर जो है झुक जाते हैं, तो ये किस कारण होता है? तो न्यूटन के पहले जो नियम है उसके अनुसार। नेक्स्ट है, रॉकेट की कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है, जो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, दूध से मक्खन निकालना जो निकालते हैं, मतलब ये इस घटना को क्या कहेंगे? तो दूध का घनत्व तो घट जाता है, दूध से जब मक्खन आप निकाल लेंगे तो दूध का घनत्व तो घट जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों?
वह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है वहां पर। अंतरिक्ष में क्या है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। आप देखते होंगे अभी, अब तो ये सब चीजें बहुत आम हो गई हैं, आपको वीडियो अक्सर दिखाई देते हैं, तो आप देखिएगा कभी तो ये समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, संवातक कैमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। ऐसा क्यों? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने पे क्या होगी? वायु दाब में कमी आती है। ये सब आपने बहुत छोटे क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, पर याद ना होगा, लेकिन एक बार रिवाइज करिए तो सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट, धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं। क्यों? उसकी प्रत्यास्था जो है, धक्का का मतलब ढक्कन से है जो बनाए जाते हैं, स्टील के क्यों बनाए जाते हैं, उसकी प्रत्यास्था जो है अधिक होती है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है वायुमंडल? तो यह सूर्य से प्रकाश पाता है। नेक्स्ट, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। एक हार्स पावर इक्वल क्या होगा? 746 वाट, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? जब आप साइकिल चलाते हैं, जब जैसे ही मान लीजिए ऐसे साइकिल चलाते चले आ रहे हैं, अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, तो जो चला रहा है वो ऑलरेडी झुक जाता है, ऐसा क्यों है? तो वही कारण पूछा जा रहा है। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उससे जो है गिरने से बच जाएगा। अगर आप अपने बॉडी को नहीं झुकाएंगे, वैसे ही के वैसे रहेंगे तो गिर जाएंगे। नेक्स्ट, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। आप लोगों ने कब, हमें, मुझे लगता है सभी ने साइकिल चलाई होगी, इस चीज़ को महसूस भी किया होगा। नेक्स्ट, क्रीम सेपरेटर में दूध में से जो है वसा किस बल के कारण अलग हो जाती है? तो वो होती है अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जबकि पिघलता है तो पानी के सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या रहेगा, पानी क्या उतना ही रहेगा या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये, जैसे ये गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पानी है, आपने इसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाला और वो बर्फ का टुकड़ा जब धीरे धीरे गल जाएगा, वो भी पानी बनेगा, लेकिन इस पानी का तो ऐसा नहीं है कि जब पानी बनेगा तो पानी गिलास से बाहर आएगा, ऐसा नहीं होता। तो वही है कि उतना ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। क्यों ऐसा होता है? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है जो है केपिलरी क्रिया के द्वारा, वही केशिकत्व को कहा जा रहा है जो मैंने अभी शुरू में बताया। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। आर्कमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से। अभी इसको शुरू में ही आपने पढ़ा ना, वही कि जैसे कोई पानी भरा हुआ है, इसमें कोई चीज गई तो जितना पानी बाहर आपका निकल जाता है, और जो उतना ही निकलेगा जितना आपने इसमें जो है जो भी आइटम है उसमें डाला हुआ है। नेक्स्ट, तेल जल के तल पर फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। जैसे आप मान लीजिए कोई ऑयली बर्तन है, बर्तन सभी धुलते होंगे, है ना, स्टूडेंट है तो अकेले रहते होंगे तो ज़रूर करते होंगे। देखिए, उस पानी जब डालेंगे जो ऑयल होगा वो तैरने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है जल से कम होता है। आइए आगे देखते हैं, अगला दिया हुआ है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। क्यों? सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट है, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? तो ये भी पृष्ठ तनाव कारण है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। नेक्स्ट, पानी से निकालने पर संवेगीय ब्रश के बाल जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। ये सभी कारण पृष्ठ तनाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कोई ब्रश है, सेविंग ब्रश, मतलब वो जो सेविंग करते हैं, तो आप देखेंगे उस ब्रश को जैसे ही पानी में डुबाइए फिर बाहर निकालिए, सभी जितने उसके रेसे ऐसे दूर दूर होते हैं, सब चिपक के एक जैसे हो जाते हैं। ये सभी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है।
ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं? तो करते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण जानते होंगे आप लोग, वही है उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है, यदि एक निकट दृष्टि दोष नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो 0.5 डायोप्टर, डी मतलब डायोप्टर है। अभी हमने आपको बताया था ना कि लेंस की क्षमता कैसे मापते हैं डायोप्टर में, वही लिखा है। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो हैंड मिरर होता है, हाथ वाला जो मिरर होगा शीशा, कैसा होगा? तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कार्निया को निकाला जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर जो है स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? तो रेटिना से होती है। नेक्स्ट, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसकी उसको कौन सा दोष है? जैसे अगर आपके मान लीजिए आँख में कोई दिक्कत है, आपको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो वो निकट दृष्टि दोष आपको है, उल्टा होता है यहाँ पर। और जिनको पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती उसमें क्या होता है, उसको दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, दोनों अपोजिट होते हैं। देखेंगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाएगा अवतल लेंस, और अगर यहीं पे दूर दृष्टि वाला दोष हो अगर किसी व्यक्ति को, तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित को क्या होगा? तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अभी आपको बताया ना किसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? इम्पॉर्टेंट है, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, जैसे लाल हरा वो नीला। लाल हरा और नीला क्या है? ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं जो कि किसी और के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। अगला देखेंगे, अल्फा कण के दो इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? तो हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? तो गामा किरणें। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पी और एन से इसको डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैंडविक ने की थी। लेजर बीम जो है सदा होती है, अपसारी बीम होती है। प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत जो है दिशिक हो कहलाती है, तो लेसर किरण। नेक्स्ट है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, जो परमाणु है उसमें प्रोटॉन जो है नाभिक के भीतर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन वहन करते हैं। एक यूनिट जो है ऋणावेशित, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा ऋणावेशित, ई इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से, प्रोटॉन को पी से। समस्थानिक परमाणु में क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। समस्थानिक क्या होते हैं? तो समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक जो है समान होता है। इसको समझ लीजिएगा, पूछा जाता है समस्थानिक और संभारिक, दोनों वर्ड में अंतर है, फिर से सुनिए। समस्थानिक मतलब इसका स्थान न बदले, और संभारिक जिसका क्रमांक जो भार है वो बदले, समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा C1, यहाँ C2 लिखा, और यहाँ पर लिखा 3 और 3, और एक मैंने एग्जाम्पल लिखा, यहाँ पर लिखा C2, यहाँ पर भी लिखा हमने C2, और यहाँ पर लिखा 3, और यहाँ पे 4 लिखा। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ऊपर वाले को देखिए, जो इसका क्रमांक दिया हुआ है ना, परमाणु क्रमांक समान किसमें है? इसमें, नीचे वाले में, तो ये समस्थानिक कहलाएगा। और ये जो ऊपर अगर समान है तो इसको हम संभारिक कहते हैं। समझने के लिए समझिएगा, इसमें भार जो चढ़ाइए वो समान होगा तो उसको संभारिक नाम देंगे, और जिसका स्थान ये क्रमांक समान होगा उसको समस्थानिक कहते हैं। पूछा जाता है समस्थानिक संभारिक, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसको रिविज़न करिएगा, और जिसको और भी पढ़ना होगा मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो काफ़ी दे रखे हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। जनरल अवेयरनेस की अलग से भी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर मिलेगा, या तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी न्यू वैकेंसी या न्यू 2024 करेंगे ना कम्प्लीट प्रिपरेशन, तो आपको मिल जाएगा इसमें। तो अपने से भी पढ़ाई करते रहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।